नवी मुंबई में आज महानगर पालिका और एलसीएफ की तरफ से स्वच्छता मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 3,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन का आयोजन साल 2023 में होने जा रहे स्वच्छता संरक्षण में नागरिकों को जागरूक करने के लिए किया गया था। इस दौरान लोगों को कचरे का वर्गीकरण करने का संदेश दिया गया। इस मैराथन में खास तौर से उपस्थित रहे महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व सांसद संजीव नायक। मैं ऋचा जी को और उनकी टीम एलसीएफ की टीम को नवी मुंबई महानगर पालिका हमारी ढोले मैडम यहाँ थी, हमारे सभी ऑफिसर्स लोग थे। तो मैं समझ रहा हूँ कि नगर पालिका ने और एलसीएफ ने ये बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ ऑर्गेनाइज किया। देखिए, मैराथन ये हर शहर की एक नस होती है। लोग चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करें। अब होली के बाद में आज ये को प्रोग्राम हो रहा है। मैं आप सब लोग को जिन्होंने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया सब लोगों को अप्रिशिएट करते हैं कि ये शहर और अच्छा बनाने के लिए आप सबका योगदान जो जरूरी है। मैं सभी लोगों को इस प्रोग्राम के लिए शुभकामनाएं करता हूं। मैंने कहा कि साइकिल और मैराथन ये दोनों चीजें शहर के लिए बहुत जरूरी होती है और लोग चाहते हैं कि भाई कोई तो ऑर्गेनाइज करे, और इतने बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज करना कोई मामूली बात होती नहीं है। इसलिए अगले साल जानेवारी में साइकिल मैराथन भी होगी और रन भी वापस हो जाएगी। आज या ठिकाणी लोकांमध्ये स्वच्छ सर्वेक्षणचा मेसेज जावा आणि एक लोकांमध्ये एनर्जी निर्माण होईल त्यासाठी एलसीएफ फाउंडेशनने हाफ मैराथनचं आयोजन केलेलं होतं आणि एलसीएफ फाउंडेशनने त्याचं अतिशय चांगल्या प्रकारे नियोजन केलं आणि महानगरपालिकेसाठी त्यांनी स्वच्छ सर्वेक्षणच्या अनुषंगाने हा मैराथनचं आयोजन केलं होतं। नक्कीच वेळोवेळी मैराथनचं आयोजन केलं जाईल, वेगवेगळ्या संस्था आयोजन करतात, आवश्यकता असेल त्यावेळेस महानगरपालिकेशी ते संपर्कामध्ये येतात आणि महानगरपालिकेच्या काही विशेष कार्यक्रमासाठी स्वच्छ सर्वेक्षणच्या कार्यक्रमासाठी किंवा वेगवेगळ्या कार्यक्रमासाठी मैराथनचं आयोजन करतात। शहरामध्ये स्वास्थ्य निर्माण होण्यासाठी आणि लोकांमध्ये एक एनर्जी येण्यासाठी वेळोवेळी मैराथनचं आयोजन केलं जातं आणि यासाठी एलसीएफने यावर्षी जे काही मैराथनचं आयोजन केलं ते अतिशय चांगल्या प्रकारे केलेलं आहे। यामधून स्वच्छ सर्वेक्षणचा एक चांगल्या प्रकारे मेसेज लोकांमध्ये पोहोचतो आणि यामध्ये एकच भावना आहे की स्वच्छ सर्वेक्षणमध्ये सर्व लोकांनी पार्टिसिपेट व्हावं, म्हणून मी एलसीएफ फाउंडेशनने या आयोजन केलेल्या मॅरेथॉनसाठी त्यांना मी धन्यवाद देतो। ये हाफ मैराथन जो था स्वच्छ नवी मुंबई हाफ मैराथन सेकेंड एडिशन था। इसका फर्स्ट एडिशन हमने अप्रैल में किया था। एक्चुअली हमारा प्लान इसको दिसंबर में ही करने का था लास्ट ईयर, सो दैट ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में प्रॉपर डेट पे गिरेगा, बट देन कोरोना का रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हमने अप्रैल में किया। अभी हमने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए ये रेस ऑर्गेनाइज किया। इसमें हम लोगों ने ओला कचरा, सूखा कचरा और घरगुती कचरा, हैजर्डस वेस्ट जो है, इसका सेग्रीगेशन का अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए टी शर्ट्स जो है हम लोगों ने ब्लू स्लीव्स, ग्रीन स्लीव्स और
ब्लैक के हिसाब से बनाया और हमने उसी कलर्स के बलून्स भी छोड़े ताकि लोगों को थोड़ा सा ये फीड हो जाएगा कि ग्रीन मतलब ओला कचरा अलग करना है, ब्लू में सूखा कचरा अलग करना है इस तरह से। और जो टी शर्ट्स ये रेस का हमने बनाया है, हमने थोड़ा सा पैट्रियोटिकली बनाया है, जो नवी मुंबई लवर्स है ये टी शर्ट को, इन लोगों को ये टी शर्ट बहुत ही अच्छा लगा। इसके अंदर हम लोगों ने नवी मुंबई के सारे हॉट पॉइंट्स और सारे जो इम्पॉर्टेंट स्पॉट्स हैं वो हमने कवर किया है। जैसे इसमें एनएमएमसी का हेडक्वार्टर आ गया, ज्वेल ऑफ नवी मुंबई, डीवाई पाटिल स्टेडियम, मिनी सीशोर, पाम बीच रोड, एपीएमसी, जो सिर्फ नवी मुंबई में है, ये सब चीजों को हमने इसमें कवर करके आई लव नवी मुंबई, आमची नवी मुंबई, स्वच्छ नवी मुंबई करके डाल के हमने ये टी शर्ट बनाया जो लोगों को बहुत अच्छा लगा। इसमें 3000 से ज्यादा लोग दौड़े, मेन वुमेन फैमिली, बच्चे, छोटे बच्चे, सीनियर सिटीजन। सो ये जो रेस है नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पाम बीच रोड पे कर रही है, इसका अप्रिशिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है और लोगों को फ्लैट रूट में रन करना बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि उनका पर्सनल टाइमिंग बहुत अच्छा आ जाता है, आगे क्वालिफाइंग के लिए उनको हेल्प करता है। इस बात के लिए मैं नवी मुंबई को बहुत बहुत सारा धन्यवाद कहना चाहूंगी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड आई ऑलवेज इंजॉय दिस रूट, इट्स अ कंप्लीट फ्लैट रूट, तो बहुत अच्छा मज़ा आया पाम बीच पे रन करके। मैं हमेशा ये कहना चाहती हूँ कि स्लोली स्टार्ट करो, डोंट पुश टू मच, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो अच्छी तरह से, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन, स्लीप एंड एक्सरसाइज सब साथ में करना चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाएगा तो बैलेंस छूट जाता है, सो यू हैव टू टेक केयर होलिस्टिकली। आज की दुनिया में फिटनेस इज द हेल्थ इज वेल्थ, तो मेरे ख्याल से आदमी प्रैक्टिस ट्रेनिंग करते तो रहना चाहिए, प्लस इवेंट में पार्टिसिपेट करने से अलग मोटिवेशन मिलना चाहिए एंड उसमें अगर प्राइज मिल जाए 21 किलोमीटर में जैसे कि लगा है तो और सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो हेल्थ इज वेल्थ, आप ट्रेन करते रहो, हेल्थ का ध्यान देते रहो, मोटिवेट करते रहो एंड ऐसी अच्छे प्रैक्टिस करते करते आप भी आगे सीखते रहेंगे और अपना बहुत अच्छा करेंगे।